Hi everyone, I am Riya. Welcome to my channel Riya's Spiritual Remedies. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दिए हुए बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं डे ऑन डे बेसिस पे उसके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे दिए हुए सॉल्यूशन से लोगों को हेल्प हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखना शुरू किया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि डिवाइन ने मुझे इस काम के लिए चुना ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसे 7 सिचुएशंस बताने वाली हूँ जो आपके मैरिज में लव पीस हारमोनी जो मिसिंग हो गया है उसे लाएगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल ओपिनियन मैरिज के बारे में रखना चाहती हूँ और अगर आप सभी मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हैं तो प्लीज डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स सो दैट मुझे पता चले कि क्या मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस, मेरा जो ओपिनियन है वो सही है और आप लोग की क्या राय है उस बारे में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की मैरिजेज हैं उसमें लव फाइट पीस हार्मोनी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमने जो भविष्य में, हमने जो पास्ट में देखा, हमारे जो आईज के पास जो विजुअलाइजेशन पावर है, जो हम देखते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। हम सभी ने ये देखा होगा कि द सीक्रेट मूवी में जैसे बार बार इस बात को एम्फेसिस किया कि विजुअलाइजेशन क्यों बोला जाता है कि आपको जो चाहिए विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि हमारे आईज के पास वो पावर है कि वी कैन अट्रैक्ट वॉट वी वॉन्ट। तो जब हम छोटे थे हमने कभी अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी, कभी अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों की लड़ाइयाँ देखी, कभी किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ को मारते हुए देखा, किसी वाइफ को उसके हस्बैंड को गाली देते हुए देखा। तो हमने अपने आसपास मैरिजेस को ऐसे ही देखा, हमने मैरिज को ऐसा नहीं देखा कि हस्बैंड वाइफ लव एंड रिलेशनशिप्स के साथ हैप्पीली रह रहे हों, आसपास जितने भी मैरिजेस हों वो हैप्पी हों। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है कि मैरिज में फाइट होना नॉर्मल है, मैरिज में लड़ाइयाँ नॉर्मल है, मैरिज में पीस एंड हार्मोनी नहीं होती है, मैरिज में हस्बैंड वाइफ को मारता है, वाइफ गाली दे सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम हर किसी ने अपने आसपास जैसे जैसे एटमोसफेयर्स में देखी वो अट्रैक्ट कर ली सबकॉन्शियस माइंड में और अननोइंगली आज की डेट में हम अपनी मैरिज में वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जब लड़ते हैं अपने हस्बैंड से तो हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लव पीस एंड हार्मोनी मिसिंग हो लगता है बहुत नॉर्मल है, बिकॉज हमने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी ही नहीं है किसी हस्बैंड वाइफ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की मैरिजेस बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो सकती हैं इस रीज़न से, क्योंकि हमारे बच्चे भी अगर वही चीज़ें देख रहे हैं तो वो भी अपने स्पाउस के साथ वही काम करने वाले, उन्हें लगेगा मैरिज में लड़ाई होना नॉर्मल है, मैरिज में अब्यूज करना एक दूसरे को नॉर्मल है, मैरिज में एक दूसरे को गालियां देना, मारना, पीटना, अनहैप्पीनेस होना, क्रिबलिंग होना, ये सब बहुत नॉर्मल उन्हें लगने लगेगा और वो भी अपने स्पाउस के साथ वही सारी चीज़ें रिपीट ऑन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हाई टाइम अलर्ट है, हमें अपनी मैरिजेस को फिल करना है लव पीस हार्मोनी सो दैट हम अपने बच्चों के सामने, अपनी सोसाइटी में उनको ऐसे एग्जाम्पल दे सकें कि मैरिज इज अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, इनफैक्ट मैं बोलूं कि आफ्टर 2025 के बाद से जो हमारे टिल द डे ऑफ डेथ हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा मैरिज के साथ गुजारते हैं, बींग अ मैरिड पर्सन गुजारते हैं, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर होता है, उनकी आने वाली मैरिड लाइफ के लिए होगा। सो सिर्फ हमें आज जो ये पीस एंड हार्मोनी अपनी मैरिड लाइफ के लिए नहीं चाहिए, अगर हम ये रियली चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भी मैरिटल लाइफ हैप्पी हो, वो उनके स्पाउस के साथ खुश हों और उनके बच्चे खुश हों, तो इसके लिए ज़रूरी कि हम अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाएं। सो आज मैं जो 7 सिचुएट्स आपको शेयर करने जा रही हूँ ये उन्हीं चीज़ को अचीवमेंट्स करने में आपकी हेल्प करेंगे और प्लीज़ टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स कि क्या आप मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है कि मुझे मेरा ओपिनियन सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं वही अट्रैक्ट करके आए हैं। तो हमारी मैरिजेस वही अट्रैक्ट कर चुकी हैं जो हमने अपने एंसेस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को चीज़ों को करते हुए देखा है। तो चलिए, फर्स्ट सिचुएट जो मैं आपको बताऊंगी वो है टुगेदर डिवाइन विद। उस केस में टुगेदर डिवाइन विद यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन जिसके साथ आपको कंपैटिबल होना है,
जिसके साथ आपको अपनी कोई ओपिनियन शेयर करनी है. लाइक मान लीजिए आप कोई घर खरीदना चाहते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में इस बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. आप चाहते हैं कि आप दोनों एक ही बात पे सहमत हों, तो यू कैन चैंट दैट टुगेदर डिवाइन विद योर स्पाउस नेम. टू ब्रिंग हारमोनी इन रिलेशनशिप, टू ब्रिंग अगर आप जिस एटमोसफेयर में रह रहे हैं, लाइक अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, तो अगर आप हारमोनियस एटमोसफेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्लियर टुगेदर डिवाइन विद. यहाँ पे आप चाहे तो उस इंसान का नाम भी ले सकते हैं, क्लियर टुगेदर डिवाइन विद नेम ऑफ पर्सन. और जरूरी नहीं कि नेम ऑफ पर्सन आप लें, सिर्फ आप क्लियर टुगेदर डिवाइन विद चैंट कीजिए, इट विल ब्रिंग क्रिएट अ वेरी हारमोनियस एनवायरमेंट अराउंड यू इन योर फैमिली. सो द थर्ड सिचुएट इज बो कंसीड क्लियर कॉन्फेस टुगेदर डिवाइन. ये उस केस में है जब किसी को ये लगता है कि उसके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दे हैव अ डाउट, उस केस में आप ये चैंट कर सकते हैं. बो कंसीड विल हेल्प यू टू शेड द ईगो सो दैट इट विल ब्रिंग पीस एंड हारमोनी. क्लियर विल ब्रिंग द क्लैरिटी इन थॉट्स, क्लियर पिक्चर विल बी क्लियर. कॉन्फेस विल हेल्प टू ब्रिंग द ट्रूथ, दैट स्पाउस विल टेल यू द ट्रूथ व्हाट इज गोइंग ऑन. And together divine is for harmony and relationship, better relationship. Now the fourth situation is bow praise together reach divine love listen between. Bow will shed the ego. Praise, you will start praising, you will find, you will get an ideas to see what are the best थिंग्स इन योर स्पाउस. आप उनकी हम हमेशा निगेटिव चीज़ें देखते हैं, हम प्रेज करना भूल चुके हैं लोगों को, हम उनकी अच्छाइयों की तारीफ करना भूल चुके हैं. तो यू विल स्टार्ट प्रेज वॉट एवर द बेस्ट क्वालिटीज इन योर स्पाउस, यू विल स्टार्ट लुकिंग आउट इन स्पाइट ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट्स. टुगेदर मीन्स विद द डिवाइन यू विल रीच डिवाइन लव विल रीच इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. लिसन इन बिटवीन, लिसन बिटवीन मीन्स इट विल कम इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. जो आप दोनों स्पाउस के बीच में जो लव रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी जो खत्म हो रही है, हारमोनी खत्म हो रही है, इट विल अगेन कम ऑन. नाउ द फिफ्थ सिचुएशन इज ये उस केस में हेल्पफुल है अगर कोई स्पाउस अपने हस्बैंड को या वाइफ को किसी भी को सोशल मीडिया में या सोशल प्लेसेस पे अब्यूज करते हैं. सो इस केस में एग्रीमनी क्रैब एप्पल एडजस्ट टुगेदर चेंज नाउ, ये आपके लिए एक सिचुएट होगा. एग्रीमनी जैसे मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में बताया कि एग्रीमनी इज अ पीस मेकर, इट विल ब्रिंग पीस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. Crab apple will clean all the bad thoughts, all the negative thoughts which are coming for your spouse. जिस वजह से आप अपने स्पाउस को पब्लिक प्लेसेस पे, सोशल मीडिया में, सोशल फंक्शंस में अब्यूज करते हैं. एडजस्ट टुगेदर चेंज नाउ मीन्स यू बोथ विल एडजस्ट एंड चेंज फॉर अ बेटर पीस. नाउ द सिक्स्थ सिचुएट इज बो कंसीड क्लियर रिस्टोर डिवाइन लव. ये मेरा बहुत ही फेवरेट सिचुएट है, इसने मेरी मैरिज में बहुत वंडरफुल काम किया है. लास्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं मेरी शादी को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये लास्ट के 5 ईयर्स हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नाउ न्यूली मैरिड गर्ल. इनिशियली शादी के बाद के जो मेरे 5 साल थे वो पता नहीं कैसे गुजरे, कितने पेन्स में, कितने एक दूसरे को हर्ट करने में गुजरे, मुझे नहीं पता. बट नाउ From the last 5 years, I'm feeling that now I'm newly married. ऐसा मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरी नई शादी, मेरे हस्बैंड मुझे समझने लगे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई है, कंपेटेबिलिटी हमारी बहुत अच्छी हो गई, हारमोनी बहुत अच्छी हो गई है हमारे बीच में जो. सो ये सिचुएशन मेरे केस में बहुत काम किया, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि जो हमारे शादी के पहले और शादी के जिस बात के जो मंथ्स थे उसमें जो लव था वो ऑलवेज मिसिंग, मैं मिस कर रही थी. सो थैंक्स टू डिवाइन कि इस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मैरिटल लाइफ में चेंज आया है. तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट सिचुएशन है, इसे मैंने अपने फ्रिज के ऊपर लिख के भी रखा हुआ है, सो दैट वेन एवर मी और माई हस्बैंड ओपन द डोर वी ऑलवेज रीड इट, बिकॉज वॉट वी सी वी अट्रैक्ट.
So it is important for us to keep in that situation always and throughout the life in a loving relationship. So now the seventh situate is pelican, jellyfish, bow, conceit, together, divine. Pelican and jellyfish are the animals. They are the animal spirit guide. They help you to live a better life. I will make few videos regarding what are the, who are the animal spirit guides, in what per situations you can call the animal spirit guide so that it can help you. So whenever you have a problem in your marriage, jab husband wife lad rahe ho, agar aap sirf jellyfish 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 pe chant karna shuru karenge to jo fighting hai wo khatam ho jayegi. So pelican and jellyfish will help you to bring a harmony in relationship. It will help you to get live a better life. Same bow conceit will shed the ego. Together divine is for peace and harmony and love. So ye agar aapke husband aapko maarte hain ya spouse aapko maar rahe hain koi opposite any, to in that case aap shark add kar sakte hain. Isme shark, pelican, jellyfish, bow conceit, together divine. So it will help you ki wo jo beating jo behavior hai aapke spouse ka wo khatam ho jayega and they will treat you respectfully, love, respect, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग करने की पावर आ जाएगी उस स्थान में. सो दीज आर द सिचुएट्स विच कैन हेल्प यू टू लिव अ बेटर मैरिज, हैप्पीली मैरिड लाइफ. और प्लीज लाइक मी माय वीडियो इफ यू रियली लाइक इट एंड शेयर योर ओपिनियन अबाउट हाउ यू कैन ब्रिंगिंग पीस एंड हारमोनी इन योर मैरिज. डू चैंटिंग स्टैंटिंग्स करने के लिए आप चाहे तो इन सिचुएट्स को एज इट इज पेपर पे राइट कर लीजिए एंड कीप इट अंडर योर पिलो और चैंट ओवर अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक दैट वाटर डेली. और यू कैन स्टिक इन फ्रंट ऑफ योर बेडरूम वेयर यू आर स्लीपिंग सो दैट जब भी आप या आपके स्पाउस जगें या उठें सो यू विल ऑलवेज बी इन दैट एनर्जी लेवल. इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ रिचुअल्स कुछ बैच फ्लावर रेमेडीज बताऊंगी जिन्हें आप अपने ड्रिंकिंग वाटर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. और उसके बारे में बताऊंगी कुछ मैं आपको एनिमल स्पिरिट्स गाइड्स के बारे में और बताऊंगी. सो इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पीस एंड हारमोनी. सो आज का वीडियो यहीं तक था. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन को क्लिक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ डेली बेसिस में जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं. तो आज का वीडियो यहीं तक का. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.